स्कॉटलैंड के शहर कालयूक के मकामी हॉल में स्कॉटिश सिंधी संगत की जानिब से सिंधी कल्चर डे मनाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी काउंसिल जनरल सैयद जाहिद रजा और स्कॉटिश लेबर पार्टी के सरबरा अनस सरवर थे। बरबका तकरीब में स्कॉटलैंड भर से सिंधी कम्युनिटी से मर्द खवातीन शरीक हुए। फरीद अंसारी की रिपोर्ट देखिए। स्कॉटलैंड के शहर कालयूक के मकामी हॉल में स्कॉटिश सिंधी संगत की जानिब से सिंधी कल्चर डे मनाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी काउंसिल जनरल सैयद जाहिद रजा और स्कॉटिश लेबर पार्टी के सरबरा अनस सरवर थे। पुरवकार तकरीब में स्कॉटलैंड भर से सिंधी कम्युनिटी के मर्द खवातीन की कसीर तादाद शरीक हुई। काउंसिल जनरल सैयद जाहिद रजा ने दुनिया न्यूज के 15 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मैं आज बेहद खुश हूं कि आप अपनी सकाफत को उजागर करते हैं, इससे अपने वतन की मोहब्बत का इजहार होता है। इस मौके पर लेबर पार्टी के सरबरा अनस सरवर ने कहा कि मैंने पहली मरतबा इस प्रोग्राम में शिरकत की है, मुझे सिंधी भाइयों को देख कर बेहद खुशी हुई है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि नौजवान नस्ल मकामी सियासत में भी हिस्सा ले। आप किसी भी पार्टी में शामिल हों, मगर हमारे नौजवान बच्चे मकामी सियासत में हिस्सा लें। कल्चर डे के ऊपर हमारी जो सिंधी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर हैं स्कॉटलैंड में और नॉर्दर्न आयरलैंड में, उनको ख़ास तौर पे कॉन्सुलेट की जाने से मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज यहाँ पे इतनी बड़ी सिंधी कम्युनिटी के साथ इकट्ठा बैठकर। हम दुनिया न्यूज़ और उनकी सब टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। 15 साल की सर्विस उन्होंने पूरी पाकिस्तान की कम्युनिटी और ओवरसीज पाकिस्तानियों को इन्हें दी है। हैप्पी एनिवर्सरी। आज हमने यहाँ पे बाहर मुल्क में रहते हैं हम लोग, बहुत मिस करते हैं, सिंध कल्चरल डे सेलिब्रेट किया और हमने अपनी सकाफत के हिसाब से कपड़े पहने, हम अपने बच्चों को तैयार किया, हमें बहुत खुशी हो रही है, हम अपने मुल्क को बहुत मिस करते हैं। अज असा इतने स्कॉटिश सिंधी संगत वारन सिंध कल्चर डे मनायो ए तमाम ओसे पास सभी सिंधन के इनवाइट कयो सी। इवन बिया मानू भी आया, उन्होंने डाढ़ो इंजॉय कयो। ई पहिरियों दफो असा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कयो आए ग्लासगो स्कॉटलैंड में। आज हम सब लोगों ने सिंध कल्चर डे मनाया ग्लासगो सिटी में, और काउंसलेट यहाँ पर आए, म्यूजिशियन आए, सिंध से हमने सिंगर भी बुलवाए, और हमारी छोटी सी कम्युनिटी है बिकॉज यहाँ सब इंग्लिश लोग हैं और यहाँ सिंधी लोग भी बहुत कम है, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आज हमारा सिंधी कल्चरल डे था स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में, और ग्लासगो और स्कॉटलैंड के आसपास जो भी हमारे सिंधी दोस्त थे, सिंधी फैमिलीज थी, हम यहाँ पे गैदर हुए हैं। बहुत मज़ा आया है, इंजॉय किया है, हमने झूमर पाई है। साईं सदाई करी मते सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करें। आज का दिन हमारा बड़ा दिन है और हम सिंधी आज यहाँ पे गेट टुगेदर की है हमने, और हमने आज सिंधी कल्चर डे मनाया है जो कि हर साल हम मनाते हैं। अज असा सिंधी ला तमाम वही खुशी की गाल है जो ग्लासगो में स्कॉटिश सिंधी संगत के प्लेटफॉर्म त असा सिंधी अजरक डे या सिंधी सकावत दिहाड़ो मल्हा रहा हूँ। यो दिहाड़ो अज का 2009 5 दिसंबर 2009 का अस बाकायदगी से पूरी दुनिया में मल्हा रहा हूँ, जैमें असि सकावत जो इजहार कर गजी होजमालो पेश क्या सिंधी अजरक टोपी की अजमत के बारे में पूरी दुनिया के आगाह करना हूं। स्कॉटिश लेबर पार्टी के सरबरा अनस सरवर ने दुनिया न्यूज के 15 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। इशाए के बाद सिंधी मौसीकी का प्रोग्राम हुआ, जिसमें सिंध के गुलकार रजब अली ने सिंधी नगमे सुनाकर खूब दाद वसूल की। दमादम मस्त कलंदर की धमाल पर मर्द खवातीन ने भरपूर हिस्सा लिया। फरीद अंसारी, नुमाइंदा दुनिया न्यूज, कालयूक, स्कॉटलैंड।